गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिदा गई है स्कूल और बस लास्ट के दो दिन बचे हैं स्कूल के और फिर स्कूल बंद हो जाएंगे और फिर नया सेशन चालू होगा। लेकिन इससे पहले भी होगी हमारी PTM, जिसमें फर्स्ट का रिजल्ट वगैरह पता लगेगा। और इस बड़ी चीज़ और है कि सेकंड में शफलिंग होनी है, तो मुझे बस वही लग रहा है कि उसके फ्रेंड्स पता नहीं उसके साथ होंगे सेकेंड में कि नहीं होंगे, पर चलो कोई बात नहीं, दैट्स अ पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ और वो तो होना ही है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अभी हम चलते हैं नीचे और जाके लेते हैं चाय, सेल्स आप टिफिन वगैरह रेडी करते हैं। तो हमारे सेल्स आप लेके जा रहे हैं टिफिन में हेल्दी सैलेड, एक है स्प्राउट सैलेड और दूसरा है चने वाला सैलेड, और नाश्ते में है उनके पराठा जो कि वो खाते हैं ऑफिस में जाके। तो अंकल और आए हैं, उनको चाय दे देते हैं पहले। गुड मॉर्निंग सर। वाह जी वाह। पापा हमें न्यूज पढ़ के सुना रहे। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी कुछ दिनों तक दिल्ली वाले ले सकेंगे सुहाने मौसम का मजा। वेरी नाइस। और कल की जो थी सड़कों पर बाइक की, लेडीज की बाइक थी, रेस तो थी, कि मैं फर्स्ट कौन आएगा इसमें, यही नहीं फर्स्ट कौन आएगा ऐसा नहीं होता। 2000 लेडीज ने पार्ट लिया। एक अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये कहाँ से आई है, वहां से बंगाल से आई है और उसको कैंसर था, मतलब ठीक हो गया कैंसर, कैंसर सर्वाइवर थी, तो वो थी और 2000 लेडीज ने पार्ट लिया। तो जद्दा सेठी का फोन आ गया बस से, तो मैं बस उसको लेने जा रही हूँ। नहा धो लिया, मुझे लगा था हो नहीं पाएगा टाइम पे, बट नहा लिए टाइम पे, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड पिक हर अप। और मुझे है थोड़ा सा काम भी अभी नीचे जाके, हमारे वाले ब्लॉक में मुझे जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम है, देखती हूँ काम होता है कि नहीं होता। सो मैंने अभी माला को बोला है शील पिक अप रिदा एंड देन आई विल गो देयर, बिकॉज 10-15 मिनट का ही काम है, अगर हो गया तो एक बार ये भी उतरती हूँ और करके आती हूँ। सो मेरा काम तो नहीं हुआ अभी, आई एम जस्ट गोइंग बैक होम, आई हैव टू गो बैक अगेन इन 2 hours टाइम, और फिर जाके करा के आऊँगी। रिदा आ चुकी है घर, जाते हैं उसको खाना वाना खिलाते हैं, और आज कल भी की नेक्स्ट लेवल की बुक्स मिल गई हैं विच वॉज ड्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो देखती हूँ जाके कि क्या है। आज रिदा की KG की बुक्स भी वापस मिल गई थी, दिस इज इन द स्कूल एंड शी गॉट इट बैक। और इतना मतलब हमें ये बुक्स हमने इतनी पढ़ी है व्हेन रिदा वाज लर्निंग टू रीड। कैसे पढ़ते थे रिदा, पढ़ के सुना ना एक बारी। क्या क्या था? ऐसे सीखा था हमने रीडिंग। ओह माय गॉड। हाँ का ये नहीं था जो तुम कर रही हो, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं तो ऐसे हॉप हॉप। ओके ओके चलो बैठ जाओ। सो हेलो माला जी। हेलो। सबने खाना वाना खा लिया, मैं और अंकल रह गए, और हम खाने जा रहे हैं छोले और पूरी। किस्मत अच्छी, किस्मत अच्छी, देखो किस्मत किस्मत की बात है, तुमने वो खा लिया बट अब हम छोले पूरी खाएंगे। माला मुझे क्या बनाना है, तो अभी अंकल भी आए हैं, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है थोड़ा डिफरेंट बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, अदरवाइज तो जो होता है हम खा पी लेते हैं वैसे हो जाता है। तो पूरी खाने का मन भी हो रहा था, और लंच टाइम में वी गोइंग टू हैव छोले एंड पूरी। छोले कर रहे हैं बुलबुल बुलबुल। ये हमारी बन गई है प्लेट पूरी की। अब पापा कांच की नहीं लेते, पापा वो प्लास्टिक वाली लेते हैं। तू अंकल को क्या बोल रही थी अभी बेटा? अभी घी और रोटी पे लगा दी थी ना, तो मैं कह रहे मैं अभी 85 किलो में, तो 90 किलो करना चाह रही है। घी मत लगाया कर, घी मत लगाया कर, अभी देखो अंकल जी कितनी उल्टा है। मैं तो कह रहा हूँ अपना मेरी पूरी में घी मत लगाना, पूरी मैं पूरी में घी नहीं लगा रही, घी में पूरी लगा रही हूँ। और क्या पूरी में, देखो पापा की बात है पूरी में घी मत लगाना। हाँ, तो पूरी बनी है बट पापा का एक तो बनती है, एक बनती है, पापा बनती है, एक बनती है। वेरी गुड बनती है। चलो
तो मैं आई हुई थी अभी नीचे, 10-15 मिनट का काम था। जब पहले आई थी तब हुआ नहीं था, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट अब आके हो गया है काम। दादा को टी वी चला के बिठा के आई थी, अब जा रहे हैं, गोइंग बैक होम, देन अगेन विल गेट डाउन विल टेक दादा टू द पार्क। ग्लव्स क्यों पहनने तुमने अभी? बस एक सर। सो इट्स 4:30 गाइस, दादा सिटी को गए, उसको जाना छत पे स्किपिंग के लिए, लाइट आ रही है तो मैंने इसलिए हाथ रख लिया, तो जा रही है, हम उसको लेके जा रहे हैं स्केचिंग करने के लिए। अभी चल रही है हमारी पढ़ाई जोरों शोरों से, स्पेल भी इंटरनेशनल लेवल की, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा ही लग रहा होगा ना कि जोरों शोरों से चल रही है, कि मम्मी पता नहीं तुम्हारे पे कितना जुल्म कर रही है। असल में बैठ जाओ पढ़ने के लिए तो ऐसा हो जाता है, इतना टाइम हो गया तब से पढ़ रहे हैं, ये है ब्रेक चाहिए वो चाहिए, बट अभी सिलेबस काफ़ी है और पढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश है पूरी कि अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे से अदा करें, तो उसी की तैयारी है। अभी मैं जाके थोड़े प्रिंट आउट्स वगैरह भी निकलवा के लेके आऊँगी फॉर द सैम्पल पेपर, नॉट अभी, आई विल गेट इट डन। नहीं, मैंने और माला ने मिलकर दादा को सिखा ही दिया रस्सी कूदना, सीख गई ना माला रस्सी घुमाना। माला का ना हाथ नहीं उठ रहा है पूरा, उसका हाथ मुड़ रहा है, ये देखो जैसे, अब देखो गाइस, अब माला पूरा घुमा, मुंह के पास से लेके जा तो उसको हम ये मुंह के पास से, हाँ मुंह के पास माला, हाँ ये गाईज, ये झगड़े सुलटाने में लगा रहता है मेरा टाइम, जब मैं गोमाला बोलूंगी रिदा तो जम लेंगे, गोमाला जम रिदा, 6 हो गए भाई और चाय का टाइम हो गया, और मैडम को नहला के लाई हूँ अभी, बस शी चेंजिंग हर क्लोथ्स एंड देन अगेन टू सिट विद हर। सो अभी चल रही है दादा मैडम की मालिश, बिकॉज ये देख रहे हैं नील पड़े हुए हैं जो, ये मैडम आज बस में गिर गई। मैडम को हो रहा है दर्द टांगों में बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको आज बहुत सारी चोटें लगी, इधर गिरी उधर गिरी, वो सब चल रहा था। बाबा उधर आराम से करो, उधर स्पीड का दर्द हो रहा है, स्पीड का दर्द हो रहा है उधर, तो यहाँ से कितना क्लीन आ रहा है देखो, एंगल का कितना फर्क पड़ जाता है। तो बस मैम ने बोला कि मेरी मालिश कर दो, मैंने कर दी। हाँ मैम ने नहीं बोला, मम्मा ने बोला कि इट्स ओके बेटा, मैं आपको मालिश कर दूंगी। मैंने बोला तो बस अभी मैं इसकी मालिश करने के लिए बैठी हूँ, और उसके बाद टाइम हो चुका है हमारा, 8 बज गए हैं, तो उसके बाद रिदा जाएंगी मैम सो, बिकॉज कल है उनका स्कूल और कल है सेकंड लास्ट डे ऑफ हर क्लास, सेकंड लास्ट डे, और फिर एक रह जाएगा बस। परसों है पार्टी स्कूल में, परसों है पार्टी, और हमारी मम्मी गई हुई है तो आई थोड़ा सा वैसा वाला हो रहा है, सैड सैड सा फील हो रहा है, बिकॉज वो एक भी बंदा से सब बर्बाद है, एक चीज बिसिंग लग रही है। क्या पता बोलो आप बताओ दादी। हाँ दादी मिसिंग लग रही है टेबल पे, और पापा तो रोज ही मिसिंग, पापा तो रोज ही मिसिंग होते हैं, तो पापा वैसे ही लेट आते हैं, और अभी मम्मी भी नहीं है घर पे, तो थोड़ा सा ऐसा हो रखा है,
ढीले ढीले से हो रखे हैं हम लोग, बट चलो गए हुए हैं, अच्छा है। मासियाँ आसियाँ गई हुई हैं, सो घूम घूम के आ जाएंगे, इट्स गुड। चेंज हमेशा होते रहना चाहिए, हम उनको बोलते रहते हैं कि जा आया करो भाई। और आज उनके अयोध्या में दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए, हमें थोड़ा सा लग रहा था कि बिकॉज कई लोग अभी जो गए थे अयोध्या वो बोल रहे थे कि दर्शन होने में मुश्किल हो रही है, मंदिर बंद है, कई लोगों को मंदिर बंद मिल रहा था, बट उन लोगों के दर्शन हो गए हैं अच्छे से, सो विच इज़ अ गुड थिंग। और अब वो लोग जाएंगे बनारस और हम अभी दादा को सुलाएंगे। और सेठी साहब का आज है कोई इवेंट, उनकी भी साइट चेंज हो रही है अभी, जहाँ पे उनका ऑफिस है वो भी चेंज हो रहा है, तो ही विल बी गोइंग टू अ न्यू प्लेस फ्रॉम नहीं इतना नहीं, थोड़ा आगे जाके लगेगा उनका। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बहुत सारी बातें होंगी, लंबी बातें होंगी। दादा की मालिश इज ऑल्सो ऑलमोस्ट डन, तो थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं।